आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय श्लोक 36 की ओर ध्यान देंगे, जिसमें कहा गया है कि हे जनार्दन कृष्ण, धृतराष्ट्र के कुल का संहार करके हमें कैसी खुशी मिलेगी। इन पापियों को मारकर हमें केवल पाप में उलझने का सामना करना पड़ेगा। हमारे अंतर्मन में एक सोच की झलक उभरती है, हमारी इंद्रियां वास्तव में पापी होती हैं, जिन्हें समाप्त करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा पहुंचाई है। हम सभी मनुष्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें सहन करते हैं, लेकिन क्या हमें वास्तव में इनके प्रति प्रेम रखना चाहिए? क्या हमें अपने दुश्मनों को प्यार करना चाहिए, या क्या हमें संसार से निपटने के लिए हमें धीरे धीरे संसारिकता को समाप्त करना होगा? हमें समझने की जरूरत है कि हमारी इंद्रियां हमारे दुश्मन नहीं, वे हमारी साथी हैं। हमें उन्हें समझने की जरूरत है, उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने की जरूरत। हमें ये समझना होगा कि हमारी इंद्रियों का संहार करने से हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि ये हमें पाप में उलझाएगा। हमें इसका सामना करना होगा, समझना होगा और सीखना होगा कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी इंद्रियों को संभालना होगा, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना होगा और कैसे हमें प्रेम, सम्मान और सहानुभूति के साथ अपने दुश्मनों से निपटना होगा। प्रणाम।